हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो हम बताने वाले इस टाइप का जो फ्लिप लियर का वीडियो एडिटिंग है। आप इस तरह का वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो मेरे वीडियो पर एंड तक बने रहे, और साथ ही हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ओके तो गाइस, कॉपीराइट की वजह से मैंने वीडियो को म्यूट कर दिया। आप भी इसका फुल वीडियो देखना चाहते हो, मेरे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल से वीडियो को पहले पोस्ट कर दिया, वहाँ जाकर आप लोग देख सकते हो। ओके गाइस, इस वीडियो में जितना मटेरियल लगा सारे मटेरियल लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ जाकर आपको डाउनलोडिंग कर लेना है। उसके बाद अपना एलएन मोशन ओपन कर लेना। चलो एलएन मोशन ओपन कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे आपको प्रोजेक्ट में आ जाना। यहाँ आपको एक प्रेजेंट लिंक इनपुट करना है। आपको कैसे प्रेजेंट लिंक इनपुट करना नहीं पता, मैंने ऑलरेडी वो वाला टॉपिक पर वीडियो बनाकर रख लिया है डिस्क्रिप्शन, वो वाला वीडियो आप देख सकते हो। ओके गाइस, उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे फुल प्रोजेक्ट एक ही आपको प्रेजेंट लिंक मिल जाएगा, ऐसे ओपन कर लेना है। यहाँ से आपको फोटो चेंज करना है। कैसे चेंज करना आगे बताने वाला हूँ, वीडियो पर एंड तक बने रहे। ओके, उसे आपको क्या करना है, ऐसे आपको आ जाना है। पहले आपको क्या करना है, आपको बैक आ जाना है। उसके बाद आपको रेसू में 4-5 रेसू में आपको बना लेना है। इस रेसू में आपको फोटो क्रिएट कर लेना है। ओके, आपके पास ऑलरेडी वाला फोटो इस साइज का फोटो है तो बनाना नहीं पड़ेगा, नहीं तो आपको बनाना पड़ेगा। ओके, उसके बाद आपको ऐसे प्लस में जाना है, मीडिया में जाना है, यहाँ आपको ऐसे फोटो ऐड कर लेना है। ओके, तो चलो कोई भी फोटो हम बना लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। ओके गाइस, ऐसे अपना फोल्डर आप सेलेक्ट करके फोटो ऐड कर लेना। ओके, तो चलो हम ये वाला फोटो हम ऐड कर लेते हैं। उसके बाद आपको फिल कंप्रेशन एरिया कर लेना है, और ऐसे आपको ओके ऐसे आपको 4-5 फोटो, जितना फोटो लेगा आपको 5 फोटो बना लेना। ओके, उसके बाद कॉरल पीएनजी में आकर आपको वीडियो को एक्सपोर्ट करना, पीएनजी में सेव कर लेना। ओके, उसके बाद आपको सेव कर लेना, ऐसे करके आपको 5 फोटो बना लेना। उसके बाद आपको एक वाला डिलीट कर सकते हो। उसके बाद और भी एक फोटो हम ऐड कर लेंगे। ओके, ये वाला फोटो, उसके बाद आपको फिल कंप्रेशन एरिया कर लेना है, और आपको अच्छे से थोड़ा जूम कर लेना है। अपने हिसाब से आप फोटो को रख सकते हो। ओके, इतना रखने के बाद आपको यहाँ जाकर आपको कॉरल पीएनजी में सेव कर लेना। ओके, ऐसे करके 5 फोटो आपको बना लेना है। उसके बाद आपको प्रोजेक्ट में आ जाना है। ओके, तो चलो फटाफट बना लेते हैं। ओके गाइस, मैंने 5 फोटो बना लिया है। उसके बाद आपको सेव कर लेना है और बैग जाना है। आपको फिर से बैग जाना है, आपको फुल प्रोजेक्ट में आ जाना है। यहाँ आपको 5 फोटो लगेगा। ओके, आपको क्या करना है, देखो आपको नीचे मिल जाएगा। ओके, सेम आपको एक ही फोटो देना है। ओके, सेम फोटो लगाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर आपको कोई भी फोटो हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो चलो कलर फिल्म, पहले फोटो आपको टच करना है, ऐसे कलर फिल्म में आना है। चलो अपना फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, ये वाला फोटो हम यहाँ पर लगा लेंगे। ओके, उसके बाद आपको आपको चेक कर लेना है कहाँ पर जो पिंक कलर का ड्रेस का जो फोटो था, वहाँ पर आपको और एक फोटो ऐड करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पर तो एक ही फोटो है ये वाला। ओके, उसके बाद आपको ये वाला फोटो टच करना है। ये वाला देखो, देख सकते हो ये वाला फोटो आपको टच करना है। यहाँ पर जाकर कलर फिल्म में जाकर ओके ये वाला फोटो हम ऐड कर लेंगे। आपको देख लेना वो वाला ड्रेस का फोटो कहाँ पर है, इधर भी है एक फोटो, ये वाला कलर फिल्म में जाएंगे, इधर जाएंगे और ये वाला फोटो हम ऐड कर लेंगे। सॉरी, ये वाला फोटो नहीं, आपको बैक कर लेना है। ओके, आपको उसके बाद आपको ये तो फोटो लग गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला 3 नंबर फोटो आपको टच करना है। 3 नंबर फोटो कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये वाला फोटो हमको टच करना है। कलर फिल्म में जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे और ऐसे आपको 3 नंबर फोटो ऐड कर लेना है। ओके, सिंपली ऐसे आपको देख देख कर फोटो को ऐड कर लेना है। यहाँ पर आपको आ जाना है, 4 नंबर फोटो आपको ऐड कर लेना है। ओके, देखो 4 फोटो लग गया। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, ओके आप देख सकते हो ऐसे आया है। ओके, ये वाला ओपन हो गया। उसके बाद आपको देखना है कहाँ पर, ये वाला जो यहाँ पर आपको 3 नंबर फोटो लगाना पड़ा, ये वाला कलर जो सेंटर में जो है, ये वाला फोटो देख सकते हो, ये वाला फोटो आपको यहाँ पर लगाना है। ओके, यहाँ पर आपको ये वाला फोटो ऐड कर लेना है, ऐसे आपको देख कर ऐड कर लेना है। ओके, देखो पूरा पूरी तरह से बन गया। ओके, ऐसे करके आपको देख देख कर बना लेना है। ओके, उसके बाद आपको ये वाला गर्ल्स का फोटो आ रहा है, यहाँ पर ये वाला फोटो देना है। ये वाला अभी जो लगा है सेंटर में लगा है, वो वाला फोटो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। ये वाला गर्ल्स का फोटो में वो वाला फोटो ऐड कर लेंगे, ये वाला फोटो। ओके, देखो अच्छे से हो गया। उसके बाद आपको सेंटर में जो है
लास्ट में जाएंगे ये वाला फोटो आपको यहाँ पर ऐड कर लेना, अलग फोटो यहाँ पर ऐड कर लेना। ओके, ऐसे करके आपको पांच फोटो ऐड कर लेना है। देखो हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जाकर आपको ऐसे ही सेम इमेज आपको चेंज कर लेना है। ओके, यहाँ कलरफुल भी जाएंगे, यहाँ पर आपको जो भी फोटो देना चाहते हो दे सकते हो, ये वाला फोटो हम दे देंगे। ओके, यहाँ भी आपसे जाना है, कलरफुल में जाना है, और यहाँ भी आपको जो भी फोटो आप देना चाहते हो दे सकते हो। ऐसे करके आपको सारे फोटो जो है आपको चेंज कर लेना है। ओके, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ आपको तीन और फोटो लगा लेना है। ओके, उसके बाद आपको ऐसे तो खत्म हो गया। यहाँ पर आपको नीचे ही फोटो मिल जाएगा, देखो यहाँ भी आपको सेम फोटो लगाना है। ओके, ये वाला फोटो यहाँ पर लगा लेंगे। ओके, यहाँ पर आपको भी सेम फोटो लगा लेना। ओके, ऐसे देख देख लेना, ये वाला फोटो हम ऐड कर लेंगे सिंपली। ओके, यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ भी आपको सेम फोटो नीचे वाला जो लेयर का है यहाँ पर टच करेंगे, कलर फिल में जाएंगे और व्हाइट कलर का जो फोटो है लगा लेंगे। ओके, इस वाला फोटो में भी आपको सेम फोटो लगा लेना है। फोटो देखकर आपको जो फोटो ऊपर में होगा उस वाला फोटो हम ऐड कर लेंगे। ओके, देखो हो गया। उसके बाद आपको क्या है ना, एक वीडियो ऐड करना पड़ेगा। आपको ऐसे स्टार्टिंग में आ जाएंगे, मीडिया में जाएंगे। ओके, यहाँ से आपको एक वीडियो ऐड करना पड़ेगा, तो चलो वीडियो को ऐड कर लेते हैं। ये वाला वीडियो हम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये वाला वीडियो। ओके, ऐसे आपको नीचे आ जाना है, ऐसे आपको ब्लेंडिंग में जाना है और यहाँ लाइटिंग में जाकर आपको स्क्रीन कर लेना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, बड़ा वीडियो को टच करके यहाँ रख लेना। ओके, देखते हैं कहाँ पर है। ओके, ऐसे आपको चेक कर लेना है, सारे फोटो को ऊपर में होना चाहिए, ये वाला थोड़ा ऊपर रखेंगे। ओके, पांच नंबर रख लेंगे। ओके, इस वाला लेयर को हम पांच नंबर ऊपर से आपको नीचे से आपको काउंट करना होगा, एक दो तीन चार पांच नंबर आपको ये वाला वीडियो को रख लेना। ओके, उससे देख सकते हो ये वाला वीडियो बन गया है पूरा। उसका साउंड जो आपको ऑफ कर लेना है। ओके, उसका साउंड जो है आपको ऑफ कर लेना है। देखो पूरा वीडियो बन गया, देखो ऐसा आएगा। उसके बाद आपको यहाँ जाकर वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। ओके, सो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो पर प्यारा सा कमेंट कर देना है। तो ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।